मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13, पौधों का जीवन। तो आइए पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, फिर इस पर बातें करेंगे। पाठ 13, पौधों का जीवन। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं। इस पाठ में पंकज और काजल के पिताजी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताकर उनकी देखभाल कैसे करते हैं बता रहे हैं। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। वह उठकर पिता के पलंग के पास आ बैठा। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उसने पूछा। हाँ हाँ बताइए ना, काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। पिताजी बताने लगे। पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से यह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था, डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधों के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गार कर भी रखती है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं, काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा न मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं, पंकज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। पिताजी, तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या करते हैं, पंकज ने पूछा। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे
जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी करती रहती किए रहती है। वे समझाने लगे, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा, पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किस पौधों के खाते हैं। पंकज बोला, सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो, माँ ने बताया। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से न चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो ये एक पाठ है पौधों का जीवन। अब इस पर देखते हैं शब्दार्थ। रुचिकर, पसंद आने वाली, निर्जीव, बेजान, वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज करने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड, जीवों द्वारा छोड़ी जाने वाली दूषित हवा। हरितक, पौधे के हरे तत्व। उन्मुख, मुख ऊपर किए हुए, वनस्पति, पेड़ पौधे। श्रुतलेख, जिसे हम लोग वर्तनी अभ्यास के अंतर्गत लिखते हैं। निर्जीव, वैज्ञानिक, प्रयोगों, पंखुड़ियां, कार्बन डाइऑक्साइड। हरितकों, उन्मुख, वनस्पति। तो बच्चों, यह था पाठ 13, पौधों का जीवन। आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा जोर से बोलकर, और इसके बाद अपनी कॉपी में शब्दार्थ और वर्तनी अभ्यास लिखिएगा। तो आज के लिए इस पाठ से केवल इतना ही, लेकिन इस पाठ को लिखने से पहले हम लोग एक निबंध लिखेंगे। तो निबंध, आप लोग जानते हैं, हर एक सेमेस्टर में दो निबंध रहता है। आज हम लोग एक निबंध के बारे में बात करते हैं। ये पहला निबंध है इस सेमेस्टर का, प्रिय फल। प्रिय फल निबंध, इस तरह से नए पेज में निबंध लिखकर विषय लिखिएगा प्रिय फल, और उसके बारे में लिखना है 8 वाक्य। आप लोग निबंध लिखिए, हेडिंग दीजिएगा, फिर यहाँ पर एक चित्र बना लीजिए जिस भी फल के बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं। यहाँ एक चित्र उसका बनाइएगा या चिपका लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको असाइनमेंट में लिखकर एक फल के बारे में दूंगी, आप लोग उसे भी लिख सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।